क्या खिलाड़ियों को अपना खेल इम्प्रूव करने के लिए स्टीरॉइड्स लेने चाहिए? क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स फिजिशियन हूँ, एक स्पोर्ट्स सर्जन हूँ, मेरे पास कई सारे एथलीट्स और खिलाड़ी ये प्रश्न लेके आते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हमें स्टीरॉइड्स का प्रयोग करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और क्या स्टीरॉइड्स का प्रयोग करना लीगल है या नहीं है। ये कई सारे प्रश्न हमारे समक्ष हमारे जो मित्र होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो लेके आते हैं। तो आज ये वीडियो हमने इसी के बारे में डिटेल में बनाया है। देखिए, स्टीरॉइड्स जो होते हैं ये एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग के यूज़ में प्रयोग किए जाते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि अगर आप स्टीरॉइड्स लेते हैं तो आपकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सकती है। आमतौर पे स्टीरॉइड्स जो हैं वो दो तरह के लिए जाते हैं। पहला जो मैं आपको बात करूंगा वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की बात करूंगा। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो आपके मांसपेशियों की ताकत बढ़ा देते हैं, आपके शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ा देते हैं और आपके अंदर जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो बढ़ा देते हैं। अब आमतौर पर ये एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, मतलब ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन डिराइव्ड होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक तरह का मेल हार्मोन होता है और ये हार्मोन जो है आपको जो है एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट देगा, आपकी मांसपेशियों को मजबूत कर देगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, आपका वेट भी बढ़ा देगा, परंतु ये एक शरीर के लिए नुकसानदायक वस्तु है। पुरुषों में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जबकि ये मेल हार्मोन होता है परंतु पुरुषों में आपके जो टेस्टिस होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं अगर आप लंबे समय तक इसका प्रयोग करते हैं। आपको बाल झड़ने की तकलीफ हो सकती है, आपका ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, गायनेकोमेस्टिया हो सकता है आपके, गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है कि मेल्स में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी हो सकता है। फीमेल्स में मतलब लेडीज़ में आपकी जो आवाज़ है वो गहरी हो सकती है, मर्दाना टाइप की आवाज़ हो सकती है, एक्नी का फॉर्मेशन मतलब आपको मुहासे बन सकते हैं, आपको सिस्टिक वो बन सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक साइड इफेक्ट जो होता है जो हमको एज ए स्पोर्ट्स फिजिशियन बहुत देखने को मिलता है, आपके टेंडन रप्चर हो जाते हैं। पेक्टोरलिस मेजर टेंडन रप्चर हो गया, एक्लीस टेंडन रप्चर हो गया, कंधे के अंदर रोटेटर कफ टेंडन रप्चर हो गया, बाइसेप्स टेंडन रप्चर हो गया। तो क्योंकि टेंडन्स जो हैं वो स्टीरॉइड लेने से काफ़ी कमज़ोर जाते हैं, तो टेंडन वीकनेस, टेंडन टेयर्स बहुत कॉमनली जो स्टीरॉइड अब्यूज़ करते हैं एथलीट्स उनमें हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो सकती है, आपके हार्ट का साइज बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती है, लीवर में ट्यूमर हो सकते हैं, आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है। आमतौर पे हमने देखा है कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो नुकसानदायक होता है वो बढ़ सकता है, और आपके शरीर में HDL कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके शरीर को बीमारियों से बचा के रखता है, उसका लेवल कम हो जाता है और आपके ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है बॉडी में बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप एंड्रोजेनिक इस तरह के जो टेस्टोस्टेरोन वाले एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं तो दो चीज़ें हमको खास देखने को मिलती हैं आपके ब्लड टेस्ट में। पहला, आपके ब्लड टेस्ट में HDL का लेवल बहुत कम हो जाता है, जो नॉर्मल 40 होना चाहिए उससे काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा, टेस्टोस्टेरोन और एपी टेस्टोस्टेरोन का जो शरीर में लेवल होता है वो नॉर्मली 1:1 रहता है, और अगर ये 6:1 से ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब ये कि आप काफ़ी ज़्यादा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो 6:1 पे मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं और आपको काफ़ी सारे साइड इफेक्ट आ सकते हैं। वर्ल्ड डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी जो वाडा बोलते हैं, वो वाडा मोर देन 4:1 के रेशियो पे आपको रेस्ट्रिक्ट कर देती है किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मतलब आपको बैन कर सकती है किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपका टेस्टोस्टेरोन और एपिकल टेस्टोस्टेरोन लेवल 4:1 से ज्यादा आता है। तो कई सारे मरीज हमसे सवाल पूछते हैं कि कितने तरह के ये हॉर्मोन्स होते हैं या कितने तरह के स्टीरॉइड्स होते हैं जो हम ले सकते हैं या दिए जाते हैं। तो सबसे कॉमन जो यूज होने वाले, जैसे मैंने बताया कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं,
एंड्रोस्टीन डायोन करके एक एड्रिनल स्टीरॉयड होता है जो कई कार्य कई कई जो एथलीट्स है वो लेते हैं, एंड्रो करके मार्केट में अवेलेबल होता है, रेस्ट्रिक्टेड ड्रग है, मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आप यूज ना करें। ऐसा ही एक DHEA होता है, डाइहाइड्रोक्सो एपी एंडस्ट्रोडियो, ये भी एक रेस्ट्रिक्टेड ड्रग है, इसका भी प्रयोग ना करें। सोमेटोट्रोपिन करके एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में जो है वो मसल्स की हाइपरट्रॉफी टाइप 1 की इंक्रीज करता है, परंतु ये टाइप 2 वाली मसल्स को कमजोर भी कर देता है, ये भी एक यूज होता है। इन सबसे एक अलग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है जो एक तरह का स्टीरॉइड्स आपके शरीर में इंक्रीज करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर में आपकी शरीर का बिल्ट मजबूत करता है, बिल्ट बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ बढ़ाता है, मसल की साइज बढ़ाता है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगा पर मसल की साइज, आपका ओवरऑल बिल्ट बढ़ाता है। ये भी कई लोग यूज करते हैं, ये बॉडी में IGF-1 का लेवल इंक्रीज करता है, परंतु ये लेने से आपको मायोपैथी मतलब मांसपेशियों में कमजोरी, कार्पल टनल सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब डायबिटीज तरह के रोग भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये स्टीरॉयड भी ये हार्मोन भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, आपको रूटीन बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। खिलाड़ी पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ जिनको डाययूरेटिक्स होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं स्टीरॉयड्स के साथ, तो ये एक मास्किंग ड्रग होता है, क्योंकि आपके शरीर में अगर आपके पेशाब ज़्यादा बनेगा तो जो स्टीरॉयड्स जो यूरिन टेस्ट में होता है वो कम डिटेक्ट होगा। यह भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि डायूरेटिक्स भी आपके शरीर को डिफरेंट तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपको जो है ये नुकसान कर सकते हैं। कई सारे स्टीरॉयड लेने के साथ जो कई एक जिसको बोलते हैं सुपरस्टिशंस कहेंगे या गलत जो है वो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, तो थोड़ा मैं बात उनके बारे में करूँगा। साइक्लिंग कई लोग स्टीरॉयड यूज़ के साथ करते हैं, साइक्लिंग का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए आपको स्टीरॉयड दिया जाता है, उसके बाद जो है स्टीरॉयड को बंद कर दिया जाता है, फिर वापस स्टॉप किया जाता है, तो एक साइकिल की फॉर्म में दिया जाता है कि कुछ टाइम के लिए आपको कुछ दिन के लिए दिया गया, फिर स्टॉप कर दिया गया, फिर कुछ दिन के लिए दिया गया, फिर आपकी परफॉर्मेंस हुई तब नहीं दिया, फिर वापस दे दिया गया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, साइक्लिंग के फॉर्म में भी स्टीरॉयड्स ना लें, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक और दूसरी चीज़ जो स्टीरॉयड जो लेने वाले खिलाड़ी हैं वो करते हैं, स्टॉकिंग बोलते हैं इसको। स्टॉकिंग का मतलब होता है ये दो या दो से अधिक तरह के स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन फॉर्म में लेते हैं, तो ये बहुत हानिकारक चीज़ है। इसमें दोनों स्टीरॉयड जो हैं वो आपको साइड इफ़ेक्ट कम्बाइन करके देंगे, तो जो नुकसान है स्टॉकिंग के वो ज़्यादा होते हैं। इसमें दो अलग अलग तरह के भिन्न तरह के स्टीरॉयड लिए जाते हैं, जिससे एक स्टीरॉयड आपके बॉडी में ज़्यादा नहीं आए डोपिंग में जब टेस्ट किया जाए तो। पर यह भी एक नुकसानदायक चीज़ है, क्योंकि आपके शरीर को जो नुकसान होने वाला है, जो शरीर में नुकसान हो रहा है वो स्टॉकिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब स्टीरॉयड्स जो होता है वो खाने के फॉर्म में लिया जा सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जा सकता है और कई बार क्रीम्स या ऑइंटमेंट फॉर्म में भी लिया जा सकता है। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि तीनों ही फॉर्म जो है जब आप टेस्ट कराएंगे या जब आपका जो एंटी डोपिंग टेस्ट होगा उसमें तीनों ही टेस्ट पॉजिटिव आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्रीम वगैरह लगाया तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा, वो भी पॉजिटिव आ सकता है, ओरल स्टीरॉयड भी पॉजिटिव आएगा और इंजेक्टेबल स्टीरॉयड भी पॉजिटिव आएगा। तो ये तीनों ही फॉर्म में स्टीरॉयड लेना जो है एक अच्छा आइडिया नहीं है, और एक अच्छे खिलाड़ी को हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें ना लें। न सिर्फ इनका यूज़ जो है स्टीरॉयड्स का यूज़ इलीगल है, अपितु आपके शरीर के लिए लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक अगर आप ले रहे हैं तो ये स्टीरॉयड्स का यूज़ जो है आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी कई सारे डिज़ाइनर स्टीरॉयड्स आ गए हैं, ये नए स्टीरॉयड्स हैं, इनको कई बार टेस्ट करना या जो डोपिंग टेस्ट है उसमें ये पकड़ में नहीं आ पाते हैं, परंतु जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टीरॉयड्स भी आपके शरीर में तो नुकसान बराबर कर ही सकते हैं, मतलब ये आपकी शरीर के लिए आपकी बॉडी के लिए तो नुकसानदायक हैं ही हैं, तो इनको लाइटली ना लें, स्टीरॉयड्स का प्रयोग ना करें। स्टीरॉयड्स का प्रयोग करने से, जैसे मैंने कहा हूं कि आपको कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपकी बॉडी का वज़न बढ़ सकता है, मसल्स की हाइपरट्रॉफी तो होगी, आपकी मांसपेशियां तो मजबूत हो जाएंगी परंतु वो मांसपेशियां लॉन्ग टर्म में आपको तकलीफ दे सकती हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमनली देखी जाती हैं आम तौर पे, कि कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रोस्टेट बढ़ गया, आपको पेशाब की तकलीफ़ हो रही है बाद में, तो ये सारी तकलीफ़ें आपको बाद में चल के
हो सकती हैं। तो आमतौर पे हम ये आपको एडवाइस करेंगे कि आप स्टीरॉइड्स, इस खास तौर से एनाबॉलिक स्टीरॉइड या मेल स्टीरॉइड हार्मोन्स का प्रयोग ना करें, और दूसरे हार्मोन्स का प्रयोग भी आप रेगुलर बेसिस पे ना करें। एक और जो पदार्थ होता है जिसके बारे में कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, वो है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन आपके शरीर में खून बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, और ये हार्मोन उन मरीजों में हम देते हैं जिनमें खून की कमी पाई जाती है। तो ये आपके खून के लेवल को, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, और आपकी परफॉर्मेंस को, खासतौर से एंड्यूरेंस स्पोर्ट्स, अगर आप लंबे समय से दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, साइकिलिंग दौड़ रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। परंतु ये एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इसको बिना सुपरविजन के ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये आपके खून में ब्लड की मात्रा या हीमोग्लोबिन की मात्रा तो बढ़ा देगा, परंतु आपका जो खून होता है वो ज़्यादा खुरदुरा हो जाता है, और उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रोक होने का रिस्क, ब्लड क्लॉट होने का रिस्क, आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो जा होगा कि करीबन 18 एथलेटिक डेथ्स, मतलब खिलाड़ियों में 18 मौत रिकॉर्डेड हैं इरिथ्रोपोएटिन अलोन लेने से। सिर्फ इरिथ्रोपोएटिन लेने से 18 एथलीट्स की डेथ रिकॉर्डेड है, और वो इसलिए होती है क्योंकि जब वो एथलेटिक हैवी एक्टिविटी तो कर पाएंगे, मैराथन तो दौड़ पाएंगे, परंतु आपके जो खून है वो खुरदुरा हो जाता है, और आपको जो है हार्ट अटैक एथलेटिक परफॉर्मेंस के दौरान में हो सकता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक और रिस्की ड्रग है, इसका प्रयोग ना करें। अब मैं एक लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा एंटी डोपिंग टेस्ट के बारे में। एंटी डोपिंग टेस्ट आमतौर पर 3 तरह का होता है। ब्लड टेस्ट लिया जाता है, यूरिन टेस्ट लिया जाता है, और एक गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्ट किए जाते हैं। ये सभी टेस्ट अलग अलग लेवल पर अलग अलग लैब्स में किया जाता है। वाडा या जो दूसरी स्पोर्ट्स एजेंसीज होती हैं वो आपके लिए स्पेसिफिक जो है डोपिंग लेबोरेटरीज डिफाइन करती हैं, और वहाँ पे ये लेस टेस्ट किए जाते हैं। आमतौर पे जब यूरिन सैंपल होता है तो वो 2 अलग अलग यूरिन सैंपल ए और बी फॉर्म में लिया जाता है, और इसमें कई सारे जो नॉर्म्स हैं वो डोपिंग एजेंसीज जो है वो बनाती हैं, और वो आपको उसको अकॉर्डिंग में उसको फॉलो करना होता है। और ये जो टेस्ट होते हैं वो 2 फॉर्म में लिए जाते हैं। कई टेस्ट तो जो होते हैं वो रेगुलर कुछ टाइम पीरियड्स में सब एथलीट्स का लिया जाता है, और दूसरा है कि इस परफॉर्मेंस के पहले, मतलब आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, उसके जस्ट पहले भी ये टेस्ट लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको स्टीरॉइड्स के यूज़ के बारे में, डोपिंग के बारे में एक काफ़ी अच्छी जानकारी देने में सफल हो पाया हूँगा। अगर इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।